हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और मैंने वीडियो आज मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई, कोई भी क्लिप नहीं बनाई है मैंने आज। और मैंने सोचा कि जो मैंने टिनटिन के लिए लहंगा ऑर्डर किया था वो आ चुका है जन्माष्टमी के लिए, कि जन्माष्टमी को जो वैसे लहंगा पहनाऊंगी, थोड़ा राधा जी थोड़ा सजा वजा दूंगी और अच्छा भी लगता है एक उसके लिए। और एक कान्हा को कान्हा जी बनाऊंगी और टिनटिन को राधा जी बनाऊंगी। तो वो लहंगा आ गया है, बहुत ही खूबसूरत लहंगा है, बहुत ही खूबसूरत। और पहली बार मैं इसको एक्चुअली क्या है ना, इसको लहंगे से फ्रॉक से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, ये पहनना ही नहीं चाहती। ना मैं इसके लिए फ़्रॉक खरीद सकती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके लिए लहंगा लिया है। तो लहंगा थोड़ा अलग सा लिया है, अच्छा लग रहा है लहंगा, कि ताकि ऐसे जन्माष्टमी के बाद किसी मौके किसी फेस्टिवल पे भी पहन सकती है, कोई मौका ऐसा पड़े उस पे भी पहन सकती है। इसलिए मैंने ये वाला लहंगा ऑर्डर किया है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा लहंगा मैंने मंगाया है इसके लिए। और मीशो ऐप से मंगाया है मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें मीशो ऐप की अच्छी आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्च करके अगर आप ढूंढ के निकालेंगे तो कोई कोई चीज़ें बहुत ही प्यारी है। तो ये देखिए, ये आज सुबह सुबह आया है, ये सिल्क का पूरा लहंगा है, पूरा ही सिल्क का है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर मेरे साइज़ का ऐसा मिल जाए तो मैं भी ले लूँ, एक एंजल के लिए मंगा लूँ, एक अपने लिए। ये इसकी चोली है, ये ब्लाउज़ है इसका। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, सिला हुआ है, मैंने पहना के भी इसको देख लिया। कल जब मैं इसको तैयार करूँगी ना तब आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखिए ये डिज़ाइन इसका है, ये ऐसे गले में ऐसे आ जाएगा। बहुत ही स्मार्ट ब्लाउज़ है इसका, लहंगे का जो लहंगे की जो चोली है ना, बहुत ही स्मार्ट है, मुझे बहुत प्यारी लगी। पूरा ये सिल्क का है, ये ना पूरा सिल्क है और अच्छा है, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये है इसका लहंगा, ये देखिए लहंगा भी बहुत ही प्यारा है। ये देखिए ये है लहंगा। और मैं सोच रही थी ना इसमें ना इलास्टिक डाल दूँ, क्योंकि ना छोटे बच्चे ना क्या करते हैं, अगर इलास्टिक से कंफर्टेबल रहते हैं, सरकता नहीं है। और बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। देखिए अंदर से मैं दिखा रही हूँ, अस्तर वगैरह सब लगा हुआ है इसमें, सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कहते हैं ना, कोई कोई चीज़ें मीशो ऐप के लोग कह देते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन मैंने आज तक जो चीज़ें मंगाई ना वो मेरी तो अच्छी निकली। तो ये लहंगा है, ये येलो कलर में मैंने मंगाया है, कलर उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है कैमरे में। और इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए दुपट्टा है नेवी ब्लू कलर का, सिल्क का दुपट्टा है। ये देखिए कितना प्यारा दुपट्टा है, कल मैं फर्स्ट टाइम इसको लहंगा पहनाऊँगी टिनटिन को, जब मैं रेडी करूँगी ना इसको जन्माष्टमी वाले दिन। कल ही तो है जन्माष्टमी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, कान्हा को कान्हा जी बनाऊँगी और टिनटिन को राधा जी। तो दोनों की ड्रेस येलो है, और एंजल की ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी ना जो जन्माष्टमी के लिए लेकर आई थी, वो दूसरे कलर की है, शायद मैंने वो ब्लॉग में दिखा दी थी। मैंने लहंगा इसका इसलिए नहीं लिया एंजल का, कि मैं सोच रही हूँ इसका लहंगा मैं दिवाली पे ऑर्डर करूँगी। तो दिवाली पे मैं एंजल का लहंगा दिवाली वाले दिन पहनाऊँगी इसको। तो मैं येलो ही या ऑरेंज में मंगाऊँगी, क्योंकि मुझे येलो कलर ऑरेंज कलर बहुत ही प्यारा कलर लगता है, बहुत ही अच्छा, मतलब मेरी निगाह ना इन्हीं सब कलर पे टिक जाती है, ऑरेंज हो येलो हो या फिर वाइट हो। तो वाइट तो बच्चे बहुत जल्दी गंदा करते हैं, इसलिए वाइट नहीं मंगाऊंगी। आप बताइएगा लहंगा टिनटिन का कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ दाल चढ़ाई है, रात हो गई ना, दाल चावल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये आज है। तो ये देखिए कुकर में मैंने दाल अभी रख दी है, ये दाल बस अभी गैस पे रखी है मैंने। और आज मैंने ये सारा क्लीन करवाया है अपनी हेल्पर से, सारा ये सारा ना क्लीन करवाया, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है ना जन्माष्टमी का, तो प्रसाद बनाऊंगी मैं। और वही थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझसे हो सकता है उतना करूंगी मैं, क्योंकि काम छोटा बच्चा है ना घर में, और जब आपको अकेले करना पड़ता है, वैसे इच्छाएँ तो बहुत हैं बहुत कुछ करने की, देख लेती हूँ कितना हो सकता है, बस जितना हो सकता है उतना करूँगा। अभी तक सामान जो वाला है ना वो भी आधा भरा है, और आधा अभी बाकी है, अभी डिपो में नहीं भरा है, ये भी भरना है। यार इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है पूरे दिन ना, कि आप ना कितना काम लेते, पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे समझ ही में नहीं आता, कैसे सुबह से शाम। और मुझे मार्केट भी अभी जाना था, एक दो सामान मुझे लेना था, देखती हूँ अब मुझे सुबह सुबह दौड़ना पड़ेगा मार्केट के लिए, क्योंकि कान्हा जी की अभी एक तो मोरपंख नहीं आया है, मोरपंख लेके आना है, और कान्हा जी की मुझे एक पगड़ी लेनी है, पगड़ी नहीं आई है वो लेके आनी है। तो दो तीन सामान मुझे कान्हा जी के अभी लेने हैं। तो अब कल तो जन्माष्टमी है, अभी तो जा नहीं पाऊँगी, अभी तो मुश्किल है, क्योंकि यही आएंगे 9:30 तक, तो नहीं जा सकती। सुबह देखती हूँ, सुबह मैं जाऊँगी पास से ही, फटाफट दो तीन सामान है वो तुरंत लेकर आ जाऊँगी, और जो भोग का सामान है वो आएगा कुछ, तो वो लेकर आऊँगी। कुछ तो मैं घर में बनाऊँगी और कुछ बाहर से लेकर आऊँगी। तो यही था
और वीडियो कैसी लगी आपको मेरे को बता दीजिएगा, और मेरी बेटी का लहंगा कैसा लगा जो कल मैं तैयार करूँगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही जन्माष्टमी, जब उसको रेडी कर दूँगी तो ज़रूर ब्लॉग जाएगा कल का जन्माष्टमी का। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।